जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों रेलवे से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आती है तो दोस्तों उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आए। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। रेलवे के अधिकारी ने बताया आपका NTPC और ग्रुप डी का एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, साथ में कब तक यहाँ पर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो रेलवे के अधिकारी ने बताई है। ऑफिशियली सारी डेट जो इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर भी आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको रेलवे NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो RRB NTPC एग्जाम डेट कब आएगी, NTPC परीक्षा की तारीख। जी हां दोस्तों, ये सारी न्यूज़ है वो आप यहां ऊपर देख सकते हो। NDTV इंडिया ने अपडेट करवाई है जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, इस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। तो यहां पर इन्होंने बताया कि RRB NTPC के उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की तारीख का यहाँ पर इंतजार है, बहुत दिन हो चुके हैं और सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर लगातार इंतजार हो रहा है कि कब तक हमारा एग्जाम करवाया जाएगा, साथ में कब तक हमारा एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर ऑफिशियली जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती परीक्षा सितंबर में होनी थी जो कि आपकी स्थगित हो चुकी है। आप सभी को पता है दोस्तों, ऐसे में अब आने वाले समय में रेलवे भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करने वाला है। RRB अधिकारी NDTV को बताया था कि बोर्ड ऐसी एजेंसी की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा कराने के लिए एजेंसी की नियुक्ति में एक महीने का समय यहाँ पर लग सकता है। ऐसे में आप उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में परीक्षा की तारीख है वो यहाँ पर रेलवे में जारी कर दी जाएगी, ऐसा रेलवे के अधिकारी ने बताया। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल 28 फरवरी को NTPC के 35,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 35,000 से ज़्यादा पदों पर 1,26,30,885 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पर NDTV ने सिलेबस भी बताया है। यहाँ पर जो NTPC CBT फर्स्ट के लिए आपका जनरल अवेयरनेस है वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का आपका पेपर होगा और मैथ आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जबकि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ कुल 100 क्वेश्चन आने वाले जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा और मात्र आपको 90 मिनट यहाँ पर दोस्तों मिलने वाली है। अब रेलवे NTPC की सैलरी, NTPC की यहाँ पर बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसकी 19,900 सैलरी बनने वाली है, साथ में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 19,900, जबकि जूनियर टाइम कीपर की 19,900 और ट्रेंस क्लर्क की 19,900 है और कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की 21,700, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट की 25,500 और सीनियर टाइम कीपर की 29,200। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो 1902 रुपये आपको मिलने वाले, साथ में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 29,200 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 29,200, जबकि गुड्स गार्ड की 29,200 और स्टेशन मास्टर की 35,400 और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 35,400 यहां पर सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार NTPC के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है रेलवे के अधिकारी ने यही बताया है कि अभी तक उनका शेड्यूल है वो नहीं बन पा रहा है, लेकिन दिसंबर तक उनका एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके। पहले आपकी एग्जाम सितंबर में होनी थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब आपकी एग्जाम है वो दिसंबर में होने के पूरे चांसेस है। जैसे ही दोस्तों NTPC का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर भी आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी और NTPC के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।